जितने भी सारे युवा साथी हैं, आप एक बार इनको दिखलाने का काम करें। जितने भी मेरे युवा साथी हैं, ये मेरे साथ खड़े हैं, और मेरे साथ नहीं, हम आसिफ के साथ खड़े हैं। और आगे से हम लोग ऐसा काम करेगा, मेरा संगठन ऐसा काम करेगा कि जैसे कि आसिफ की यहाँ पे निर्मम हत्या कर दी गई है, आगे से मेवात के अंदर कहीं भी ऐसी कोई मॉब लिंचिंग ना हो, कोई निर्मम हत्या ना हो, हम ऐसा काम करेंगे। हम लोग जो मेरे साथी हैं, ये एक ऐसा काम करेंगे, प्यार बांटने का काम करेंगे, मोहब्बत बांटने का काम करेंगे। हमारे दिल में प्यार जहर नहीं, ये आप लोगों का काम होगा, ये हमारा नहीं। मैं आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूँ कि ईद के दो दिन बाद हमारे आसिफ और सद्दू भाई की निर्मम हत्या कर दी गई। एक ऐसे शेर को मार दिया गया, उसको ऐसे घेर लिया भेड़ियों ने, भेड़ तो नहीं कहेंगे, भेड़िया कहेंगे, 25 से 30 लोगों ने उसको घेर के निर्मम हत्या कर दी। और आप लोगों के समाज कहते हैं कि वो मतलब निर्दोषों को फंसा रहे। 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका और अभी 8 बाकी और अन्य में भी हैं। हमारे जो मेन अपराधी हैं वो पटवारी है, अडवाणी है, नत्थू है और भी है, और ये लोगों फरार चल रहे हैं। मेरा तो इसके हिसाब से जो हमें आश्वासन दिया है उसका कार्य करें। हम लोग बैठे हैं, हमें मजबूर ना करें कि हम महापंचायत करें, हम लोगों को मजबूर ना करें कि हम पंचायतें करें कि हमारे आसिफ को न्याय दिलाया जाए, पटवारी को पकड़ा जाए। ये पटवारी अपराध नहीं था, ये अडवाणी और पटवारी के इस गांव में कोई पहला अपराध नहीं था। पहले भी उसने हमारे कुछ पंडितों भाइयों पे भी हमला कर चुके, पहले भी उन पर मुकदमे दर्ज, आज कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अडवाणी, पटवारी, संदीप खटाना, ये नत्थू और भी इन लोगों पर सभी पैके के मुकदमे पा जाएगा। ये हार्ड कोर क्रिमिनल है, ये हार्ड कोर क्रिमिनल है, ये प्रोफेशनल क्रिमिनल है जो ऐसी हत्या कर दी। उसको पहले किडनैप कर लेते हैं, उठा लेते हैं, फिर एक फार्म हाउस की तरफ ले जाके उसको मार देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मेरा सभी मेवात के सभी मेवाती भाइयों से, जितने भी युवा साथी हैं, हमारे दल से जुड़ने का काम करें और आसिफ भाई को न्याय दिलाने का काम करें। और मैं भी खेड़ा कलीलपुर आया हूँ, अभी तो मैं उनके परिवार से नहीं मिला हूँ, अभी हम उनके परिवार के पास भी जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि वो लोग क्या मांग करते हैं। हमारे भाइयों ने तो कह चुके हैं कि हमें फांसी चाहिए, हमें प्रशासन, हमें शासन और न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि उनको फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए। अगर न्यायपालिका अगर जो भी फैसला करेगी, हमारे युवा साथी, बुजुर्ग, नौजवान साथी इस आदेश का पालन करेंगे और हम उसमें भी खुश रहेंगे। हमें न्यायपालिका और प्रशासन पर पूरा भरोसा है। तो मैं इन युवा साथियों के बीच में आया हूँ, इनके दिल से पूछो, इनके दिल फटे हुए हैं। ये बेचारे इतने मजबूर हैं, कुछ कहना नहीं चाहते, वो लोग पंचायत में पंचायत कर रहे हैं। और हमारे दो भाई पुनाना के अंदर पुलिस प्रशासन ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि उन्होंने एक पोस्ट डाल दी। पोस्ट तो प्रशासन को ये भी देखना चाहिए, एसपी साहब को ये भी देखना चाहिए, डीएसपी साहब, डीसी साहब को ये भी देखना चाहिए कि जो ये लोग जो गुजर समाज से जो ये ऐसी भड़काऊ वीडियो घेर रहे हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी करी जाए, उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। क्या एक हम ही दिखते हैं, वो लोग तुम्हें दिखाई नहीं देते? एक तो हमारे भाई की हत्या कर दी गई, ऊपर से हमें सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात कह सकते हैं। किसी भाई ने अगर गलत दिखाया मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पे, तो मैं क्षमा मांगता हूँ कि कोई भाई किसी जाति या गुजर भाइयों को गाली ना दे। और गुजर भाइयों से भी मेरी अपील है कि किसी भी मेवाती भाई को गाली ना दे। और मेवाती भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, ये सोशल मीडिया पे वीडियो बनानी बंद कर दी।